आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चिल्ली चिकन ड्राई की रेसिपी। चिल्ली चिकन ड्राई छोटे छोटे पीसेस चिकन के जो इतने टेंडर होते हैं और इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप जब खाओगे तो आपको इतने सारे फ्लेवर्स मिलेंगे और आप सोच में रह जाओगे कि इतनी डिलीशियस बने कैसे। तो चलिए देखते हैं ड्राई चिली चिकन बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेगी और ये कैसे बनेगी। लेकिन उसके पहले प्रिंसेस डिलाइट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। चिकन लीजिए 250 ग्राम, छोटे क्यूब शेप में चिकन के पीसेस को आप काट लीजिए, अच्छी तरह से धो के साफ करके ले लीजिए। इसमें डालें 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर। अब अपने हाथों की मदद से सारे इंग्रेडिएंट को चिकन के पीसेस पे रब कर दीजिए। जब सारे चिकन के पीसेस अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएंगे तो देखिए इस तरह से कलर आ जाएगा चिकन के पीसेस में। यहाँ मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, जिससे हमारे चिकन के पीसेस में बहुत ही प्यारा कलर आएगा। और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रही हूँ और 1 टेबलस्पून मैदा, रेशियो 2:1 का है। और नमक अपने स्वाद अनुसार डालें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जो कोटिंग है चिकन के हर एक पीस में लगनी चाहिए। यदि आपको ड्राई लग रहा है तो आप थोड़ा पानी डालें, और आप चाहें तो एक अंडा यूज़ कर सकते हैं। मैंने अंडा नहीं यूज़ किया है। तो भी देखिए अच्छी तरह से मैरिनेट हो गए हैं। अब तेल को अच्छी तरह से गर्म करें, गर्म हो जाए तो मीडियम फ्लेम में रखें। उसके बाद शैलो फ्राई या डीप फ्राई इस तरह से आप कर सकते हैं। आपको चिकन के पीसेस को गोल्डन होने तक फ्राई करना है। चिकन के पीसेस को आप बैचेस में फ्राई करें, 2 से 3 बैच लगेंगे। एक साथ पूरे चिकन के पीसेस ना डालें, ताकि अच्छी तरह से आप इसे फ्राई करके ले लें। देखिए मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और बड़ा प्यारा सा कलर आ गया है। चिकन हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें 1 से 2 टेबलस्पून आप ऑयल डालें, और जैसे ऑयल गर्म हो जाए 1/2 टेबलस्पून सफ़ेद तेल, और इसमें डालें 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई लहसुन और 3 हरी मिर्च लंबी कटी हुई, और अच्छी तरह से 1 मिनट फ्राई करें। जब इसका जो खुशबू है वो तेल में आ जाएगा, उसके बाद आप इसमें 1 प्याज और 1/2 शिमला मिर्च क्यूब शेप में इस तरह से काटें और उसे डाल के इसे फ्राई करें। आपको थोड़ा सॉफ्ट करना है प्याज और शिमला मिर्च को। इसके बाद आप इसमें डालें 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप और 1 टेबलस्पून शेजवान सॉस। मैं यहाँ पानी यूज़ नहीं कर रही हूँ। को ड्राई लग रहा है तो आप थोड़ा पानी डाल सकते हैं। इसमें डालें चिकन के पीसेस और इसे 1 मिनट हाई फ्लेम में टोस्ट कर लें। तो गर्मा गर्म चिली चिकन ड्राई बन के रेडी हो चुके हैं और बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं। बहुत ही बेसिक बनाया है मैंने। आप चाहें तो कोटी थिक कर सकते हैं। आप डबल द क्वांटिटी ले लीजिए कॉर्नफ्लोर और मैदा की। और यदि आपको इसे थोड़ा और वेज बनाना है तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए, और यदि आपको थोड़ा स्वीट बनाना है तो थोड़ा शक्कर डाल दीजिए। तो आप इसमें वेरिएशन अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन बेसिक जो रेसिपी है वो यही है। और ये बहुत ही कम टाइम में बन जाता है एंड हैज़ अ स्टार्टर। ये पार्टीज की जान है। यदि आपको चिली चिकन ड्राई की रेसिपी पसंद आए तो आप घर पर जरूर ट्राई करें। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें। आप मेरे बाकी के वीडियोस इन्हें भी चेकआउट करें। सिर्फ यहाँ क्लिक करना है और आप वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू।